दोस्तों, बिहार में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो बरसों से चल रही हैं। इनमें कुछ ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें पूरा होने का मतलब बिहार में विकास की क्रांति माना जाता है, जिन्हें लेकर सरकार अब सख्त होती जा रही है और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 2024 से 2025 तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आज हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो 2024 से 2025 में कंप्लीट होंगी और बिहार अपने विकास की मिसाल देश में साबित कर पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजगीर में बन रहे बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जो कई वर्षों से निर्माणाधीन है, पर अब इसे पूरा कर सौंपने की 30 मार्च 2024 की डेडलाइन दी गई है। ये इंटरनेशनल स्टेडियम कई मायनों में बिहार के लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कहीं न कहीं बिहार की छवि और विकास दोनों में तेजी से उछाल लाएगा। दूसरे नंबर पर है कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए बन रहे बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। अब इस पुल को बनाने के लिए नीतीश कुमार ने जो डेडलाइन दिया है वो इसी साल के अंत तक का है। यह पुल बन जाने के बाद उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह नेपाल जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का विकल्प भी होगा और 67 पायों वाला यह ग्रीनफील्ड केबल ब्रिज अपने आप में अनोखा होगा। पुल का सेगमेंट स्ट्रक्चर साउथ कोरिया से मंगाया गया है, जो कि 12.2 mm के केबल पर लटकाया जा रहा है। आपको बताएं कि गंगा में मालवाहक जहाजों के आवागमन को देखते हुए दो पायों के बीच की दूरी 160 मीटर रखी गई है, जिससे निर्बाध तरीके से कोलकाता से वाराणसी तक नदी के रास्ते मालवाहक जहाज आ और जा सकेंगे। तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर में बन रहे होमी भाभा कैंसर संस्थान की बिल्डिंग। हालांकि अभी यहां पर कैंसर का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन बिना बिल्डिंग के। SKMCH मेडिकल कॉलेज परिसर में यह अस्पताल बिना बिल्डिंग के सिर्फ टेंट के स्ट्रक्चर में अब तक 42,000 मरीजों का इलाज कर चुका है। इससे कहीं आगे बढ़कर मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल ने अब तक 2,000 कैंसर मरीजों का मेजर और माइनर ऑपरेशन भी कर दिया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल ने बिना बिल्डिंग के बिहार में सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में अपना नाम शुमार कर लिया है। तो अब जरूरत है तो इस अस्पताल को केवल बिल्डिंग की, जो कि 2024 तक बन जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। चौथे नंबर पर है पटना साइंस सिटी। देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी पटना में बनाई जा रही है। यह साइंस सिटी राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.48 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। साइंस सिटी का निर्माण बेंगलुरु की फ्लाई एलिफेंट कंपनी कर रही है। इसके निर्माण कार्य पर 640 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 200 बच्चों के रहने की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कई तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। दरअसल राज्य सरकार बच्चों में तकनीकी जानकारी बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके तहत ही साइंस सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बताएं कि 2023 के दिसंबर तक इसे लोगों के लिए खोला भी जाएगा। पांचवें नंबर पर है मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन और मुजफ्फरपुर बाईपास। बिहार में उत्तर बिहार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल हाजीपुर मुजफ्फरपुर 4 लेन और मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण 2024 तक पूरा करने की समय सीमा है। फिलहाल इस सड़क का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इस पर 2010 में काम शुरू हुआ, लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य बाधाओं के कारण 2013 से 2020 तक करीब 7 वर्षों तक काम बंद रहा। लेकिन अब इसका काम फिर से एक बार स्टार्ट हुआ है और अगले साल तक इसे पूरा करने का निर्देश है। छठे नंबर पर है पटना मेट्रो। बिहार सरकार के बजट 2023 से 2024 से पटना के विकास की रफ्तार और तेज होगी। बजट में शहर के कई प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है, वहीं कई प्रोजेक्ट का विस्तार भी किया गया है। पटना में मेट्रो, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं पटना मेट्रो रेल परियोजना में 2 कॉरिडोर का चयन किया गया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 1670.59 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। साल 2023 से 2024 में इस मद में 100 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। मेट्रो का काम काफी तेजी से हो रहा है। वहीं साल 2025 तक मेट्रो का पहला फेज तैयार होगा और वहीं से मेट्रो चलने भी स्टार्ट हो जाएंगी। सातवें नंबर पर बिहार की पहली रिलीजियस प्रोजेक्ट सिमरिया घाट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित प्रसिद्ध सिमरिया घाट में श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसे हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किए जाने का प्लान है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिमरिया तट पर गंगा नदी की धारा निरंतर बनी रहे और यहां श्रद्धालुओं को हर समय गंगा जल आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। सिमरिया धाम काफी प्रसिद्ध और यह लोगों के आस्था का स्थल है। यहां सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में उत्तर बिहार और नेपाल से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। आठवें नंबर पर पटना में बनने वाले 3 5-स्टार होटल
जिसमें 900 करोड़ रुपए खर्च और कुल 1,075 कमरों के साथ बिहार में बहार लाने की तैयारी पर 2027 में पूरा होने का सपना है। जी हां, सूबे में आज़ादी के 77 साल बाद भी एक भी 5 सितारा होटल नहीं है। अब राजधानी में 3 5-स्टार होटल गांधी मैदान, इनकम टैक्स गोलंबर और आर ब्लॉक के पास बनने हैं। प्लानिंग के मुताबिक साल 2027 तक ये 5 स्टार होटल बनकर तैयार होंगे। जानकारी के मुताबिक एक 5 स्टार होटल बीरचंद पटेल रोड पर स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक कैंपस में भी बनेगा, दूसरा सुल्तान पैलेस परिसर में और तीसरा गांधी मैदान के पास मौजूद बाकीपुर बस स्टैंड परिसर में बनने वाला है। पटना में 5 स्टार होटल बनने से बिहार की एक अलग छवि बनेगी। 9वें नंबर पर है पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। जी हाँ, पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द ही और भी हाई क्लास नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई क्षमता और विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले नेट टर्मिनल बिल्डिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अगले साल दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। खास बात यह है कि नई टर्मिनल बिल्डिंग में खास स्ट्रक्चर, एयरो ब्रिज और लोगों की सुविधा के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 54% से अधिक सिविल कार्य पूरा हो चुका है। नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण अगले साल तक पूरा होने की पूरी संभावना है। नई बिल्डिंग का एरिया करीब 65,135 वर्ग मीटर का है, जिसमें सालाना 80 लाख यात्रियों और पीक आवर में 3,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता होगी। अभी महज 11,500 वर्ग मीटर एरिया के साथ मौजूद टर्मिनल बिल्डिंग में हर साल 7 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। आपको बताएं कि इसमें बेसमेंट और अराइवल एरिया का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। 2 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल एरिया और फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर लाउंज होगा। तो 10वें नंबर पर है दरभंगा का आईटी पार्क। जिले के रामनगर में आईटी पार्क का स्वरूप अब दिखने भी लगा है। अब स्थानीय इंजीनियरों की उम्मीदें भी हरी होने लगी हैं, क्योंकि लोकल स्तर पर ही काम भी मिलेगा। इसके फंक्शन में आते ही मिथिलांचल के साथ पूरे बिहार के आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए सभी व्यवस्थाएं होंगी। ऐप डेवलपमेंट के साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इंजीनियरों को रोजगार की उम्मीद है। लगभग 9.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हाईटेक आईटी पार्क में लग्जरी सुविधाएं होंगी। विदेशों की 1.5 दर्जन से ज्यादा कंपनियां इस आईटी पार्क में ऑफिस खोलेंगी। तो ये बिहार के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसके बनने से बिहार की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश में जानी जाएगी, और वाकई में इससे बिहार की छवि को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी पहुँचेगा।